हेलो, तो आप लोग कैसे हैं। मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेथ हाई को मतलब कैसे उस कुछ कुछ फ्लोर को कंप्लीट किया जाए और कुछ टेक्निक जो आपको काम करेगा। और पहली बात, ये एपिसोड सेकंड पार्ट 2 है। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ करना है क्या नहीं, मतलब रेडी कैसे होना है, तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। Oh shit, here we go again. तो मैं आपको पांचवा फ्लोर दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेस्ट बॉस बैटल है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसमें मेरे को लगाना था, क्या बोलते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो है बैरिकेड। तो अगर बैरिकेड का फॉर्मूला होगा तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सेकंड वाला, सेकंड हिस्से के वीडियो के। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। अगर आपके पास बैरिकेड नहीं है और आप थोड़े कमज़ोर हैं, फाइव फ्लोर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अवतार थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं है। और ये हर एक टाइप के जॉम मतलब बॉस पे काम करता है। तो आप लोगों को बस यहाँ कोई भी एरिया में जाके इस बुक सेल्स पे कूद जाना है और थोड़ा इंतज़ार करना है कि ये मतलब नीचे और मतलब सामने तक आ जाए। उसके बाद इसको थोड़ा बिजी कर देना है यहाँ पे। उसके बाद इसको मारते जाना है, मारते जाना है। उसके बाद ये यहीं रुक जाएगा और अपने को मारने का कोशिश करेगा। तो ये बॉस पे काम करता है। और एक और टेक्निक है वो बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। तो दूसरे टेक्निक की तरफ चलते हैं जो है बैरिकेड वाला और वो कैसे काम करता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल है, लेवल 50 नहीं है। और मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं बैरिकेड लगाऊंगा। तो मेरे पास इस अवतार के पास बैरिकेड का फॉर्मूला है। अगर नहीं होगा तो आप इसको मतलब जैसे इन्फेक्टेड अटैक होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, हम लोग को ऊपर ले जाना है कोई भी, बस दो के ऊपर काम नहीं करता ये टेक्निक है। ये एक हो गया, ये ब्राइड डेड ब्राइड होती है एक टोक, और एक स्पाइडरमैन टाइप का दिखने वाला होता है, उस उन दोनों पे काम नहीं करता। तो उसको यहाँ तक बिजी करके, ज़्यादा ऊपर भी नहीं तो थोड़ा सा नीचे उसका पैर फंसना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। अगर पूरा फंसेगा ना तो वो तोड़ देगा उसको, तो वो नहीं करना है। और उसके बाद जो इसका सिस्टम होता है कन्फ्यूज हो जाता है। उसके बाद एमओ बॉक्स जितने दूरी पर रख रहा हूँ उतने ही में वो रेंज में रहता है। उसके बाद वो अगर ज़्यादा दूर चले जाओगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, मतलब वो नहीं आएगा। और मैं ऐसे ही बताने के लिए कि इससे यूजी से भी इसको मार सकते हैं, बस टाइम लगता है थोड़ा। तो इस वीडियो तो क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके इसको बस हल्को को इस सीढ़ी के कोना तक ले आना है, नीचे तक थोड़ा सा। उसके बाद वहाँ से दौड़ देना है, सीधे भाग जाना है अपने को। तो देख सकते हो डैमेज यूजी का एक एक बता रहा है, पर इससे भी मार सकता हूँ मैं, और कोई भी मार सकता है। पर लो लेवल पे, हाई लेवल वाले लोगों को तो दिक्कत हो जाता है, मतलब हाई लेवल के भी अपन तो इसको ऐसे तरीके से मार सकते हैं। तो बस यही है, फंस गया वो। अब आप उसको मारते जाइए, वो मर जाएगा। तो जब ये मर जाएगा तो आप यहाँ से जा सकते हैं तेज़ी से। तो अब चलते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ। तो ये है फ्लोर 16 और इसमें ये गोल मटोल सा बच्चा रहता है। इस पे भी वही है, बुक सेल्स पे चढ़ जाइए तो आप जब तक इसका आधा एचपी नहीं होता तब तक यहाँ से हिलिएगा मत। तो वो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज रहेगा जब तक जब वो मतलब इसका 70% होता है तो ये उगलने वाला अटैक करता है। उसके बाद जब वो अपना 30% या बोल सकते हैं 50% में जाता है तो वो अपने हाथ से लिक्विड फायर करने लगता है। तो जब लिक्विड, ये अभी मतलब कम से कम अभी 60% है ना, तो अगर मैं इसको 50% तक ले जाऊं उसके बाद ये लिक्विड फायर करने लगता है तो यहाँ से हटना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके बाद डैमेज बहुत होता है। तो जो ये पोल्स होते हैं, मतलब इसके जो बोल सकते हैं पोल्स, उसमें छुपी है। पर एक चीज़ है, मैं यहाँ पे एक गलती करता हूँ वो बताता हूँ। उस अटैक से आप नहीं बच सकते जो लिक्विड फेंकने वाला है। अगर रुक गए, अगर उसके टारगेट पे आ गए तो आपको नुकसान बहुत ज़बरदस्त देगा। पर इसको मैं मारा भी हूँ, पर ये गलती किया था मैं, यहाँ पे इसके सामने आ गया था पोल से हट के। जब ये लिक्विड फायर करने लगता है टाइम लगता है फायर। तो मैं उस वीडियो मतलब उसमें नहीं मार पाया था, पर इसमें मार लेता हूँ। तो क्या किया था बस मैं इस बार, कि जो वही पुराने टेक्निक था उसको यूज़ करके
मैं इस टेक्निक में मतलब कुछ चेंजेस नहीं किया ज़्यादा, मैं बस इसमें ये किया कि जो मतलब वही किया, बुक के ऊपर चढ़ा, बुक सेल्स के ऊपर उसको हिट किया बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जब वो उतना परसेंट में चला गया, मैं रास्ता चेंज कर लिया, मतलब उसी टाइम में वहाँ से कूद गया। तो टाइमिंग का इसमें बहुत अच्छा खेल है। और फूड खाना मत भूलिएगा, फूड खाना ये ज़रूरी होता है। तो फूड वूड खाइए अच्छे से, उसमें पावर बढ़िए मतलब बढ़ाइए। इसका आर्मर कमज़ोर है पहले बता दे रहा हूँ, ये लेवल 4 का आर्मर है, तो डैमेज तो होना निश्चित था। मैं ऐसे ही पहन के गया था क्योंकि मेरा आर्मर पहला वाला फट गया था। तो खाना खा लेते हैं, जैसे कि हीलिंग करने वाला फंक्शन और डैमेज वाला खा लेते हैं, और बस अटैक कर देते हैं इसके ऊपर दबा के। मेरे को इससे बस लिक्विड वाले से थोड़ा डैमेज होता है, बाकी सबसे नहीं। और ये बच्चा जब तक मतलब क्या बोल सकते हैं, कूद कूद के भी मार सकते हैं भाग भाग के, क्योंकि ये थोड़ा स्लो है, कछुआ है ये, कछुआ तो नहीं उतना नहीं पर है स्लो थोड़ा सा। उछल उछल के कर सकते हैं पर डैमेज करता है वो। तो देख सकते हैं मेरा HP रीजनरेट हो रहा है, रीजनरेट इस आर्मर पे नहीं है, इसका जो मैं फूड खाया हूँ हनी गरम मतलब हनी है जो हनी मीट, वो उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है, तो वो मेरा रीजनरेट दे रहा है। तो ये रूल, ये तो दूरी से मार लेते हैं अधिकतर, बुक सेल्स पे चढ़ के फायर करके। उसका जब ये लिक्विड वाला फायर करने लगता है, अपने को कवर करके बस फायर लेना है बहुत अच्छे से, दबा दबा के इसको मारना है, और ये मर जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये लेज़र भी इसके बगल से कट के निकल गया, वो सही टारगेट नहीं बना पाया, पर लिक्विड का रहता है ऐसा। पर मैं यहाँ मार दिया था इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कम से कम मेरे को 3 मिनट लगा था। और ये बता दूँ, ये शॉट गन में स्टार नहीं है, ना ही ये उस टाइम पावरफुल था। मैं इसमें ट्रेलर वर्जन यूज़ कर रहा था और उस टाइम स्टार वर्जन बना ही नहीं था। ये शायद तक डेथ हाई 3 का वीडियो है, तो इस पर कंप्लीट किया था मैं। तो अब चलते हैं फिफ्थ टेक्निक के तरफ। और फिफ्थ टेक्निक जो है वो फ्लोर ऊपर का है, इसलिए और जितना फ्लोर उसके साथ मैच खाता है उस फ्लोर पे आप ट्राई कर सकते हैं वो टेक्निक को। तो अब चलते हैं सीधा फिफ्थ टेक्निक के तरफ। तो ये फोर्थ टेक्निक 65 फ्लोर, और इसमें है ब्राइड। मैं सोचा था बैरिकेड यूज़ करने लगा, पर ब्राइड को देख के मेरे को पता चला दो चीज़। एक, ब्राइड ब्लास्ट करती है, इन्फेक्टेड ब्लास्ट जो बैरिकेड तोड़ता है। दूसरा, मैं बुक सेल्स वाला नहीं कर सकता, जो ब्राइड है वो बहुत छोटी है, मतलब ये गोस्ट ब्राइड या इसका नाम जो भी है पर ये बहुत छोटी है, इसलिए बुक वाला भी नहीं कर सकता था। तो मेरे को ये जो बैरिकेड वाला वो भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो ब्लास्ट करके नीचे आ जाएगी और मेरी बजा देगी बहुत ज़बरदस्त। तो मैं सोचा था बस कि इसको मतलब मैं सोचा था पहले बैरिकेड फंसाऊँ, पर मेरे को नोटिस आई है तो ब्लास्ट भी करती है। तो क्या किया था, इसको बस ऊपर लाके, मैं इस सीन में आपको दिखेगा कि मैं क्या करता हूँ। और ये बता दूँ, उस टाइम मैं लेवल 13 का था सिर्फ, और मैं फ्लोर को हिट कर रहा था अलग अलग लेवल पे, पर बोल सकते हैं उस टाइम स्टार नहीं, कुछ नहीं, मतलब वेपनों पे कुछ खास नहीं था उस टाइम, बस पार्ट्स था, लेवल 8 का पार्ट्स था, मतलब 8 का लेवल का पार्ट्स था। तो ब्राइड मतलब जो ये गोस्ट ब्राइड है, इसको ऊपर खींच के मैं क्या सोचा था कि कंप्यूटर तक ले जाऊंगा, कंप्यूटर मतलब जो वो ऊपर कंप्यूटर रखा रहता है ना, अभी दिखा देखते जाइए क्या करता है, मतलब क्या करता हूँ मैं। तो यहाँ तक मैं ले गया था कंप्यूटर तक, वो फिर से नीचे चले गई, मतलब उसको जा अपने को वेट बनाना पड़ता चारा, और ऊपर खींच के लाना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे हम लोग फाइट नहीं ले सकते। मैं बहुत बार मर रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ तो वो वाला टेक्निक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे खड़ा होकर इसको अट्रैक्ट करना है कैसे भी करके, उसको कंप्यूटर के मतलब गार्ड में, कंप्यूटर गार्ड मतलब ये इतनी बड़ी है कि जो कंप्यूटर जो ये रखा हुआ है, या बोल सकते हैं जो भी सेल्फ सेल्फ रखा हुआ है, कंप्यूटर सेल्फ रखने वाला, इसी की साइज़ की है। तो इसका लिक्विड अपने आसपास नहीं पहुंचता, बस इसका ब्लास्ट पहुंचता है। तो इसको पहले यहाँ तक लाना है, उसके
उसके बाद, और मैं बता दूँ इसमें डैमेज कम बता रहा था क्योंकि ये वन स्टार का है, पर अभी इन्फेक्टेड हो तो डबल डैमेज बताएगा। पर मैं इसमें बस एक एक और 30 और 9 और 30 और 4 ऐसे ऐसे डैमेज करके मारा हूँ उसको। तो आप इसका पूरा वीडियो देखिए, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओह हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अभी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करके तो इसको कैसे भी करके, मतलब एमओ बॉक्स ज़रूरी है। मैं ये गलती किया था, एमओ बॉक्स को अगल बगल में नहीं रखा, जिससे मेरे मरने के चांसेस बहुत हाई हो गए थे। आप देखेंगे तो मैं ब्राइड के सामने एमओ बॉक्स फिट करके उसमें रिलोड मार रहा था, तो वो तो मेरी कुचंबर बनाएगी ही। और एक का डैमेज पड़ रहा था तो एक दो चार नौ, मतलब देखिए अभी मैं एमओ ख़त्म, तो मैं अपना सब मशीन गन कलेक्टर एडिशन आइस वाला निकाल लिया, स्नो कलेक्टर एडिशन। इसको मतलब बहुत मुश्किल हुआ था मारना मेरे को, पर उसके बाद अभी के बाद क्या किया था मैं यहाँ पे, मतलब कवर ले लेके फायर किया था इसको कि मेरे को इसका इन्फेक्टेड ना पड़े कैसे भी करके, पर बहुत धीरे मर रही थी। उसका एमओ बॉक्स लगा के तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ज़्यादा ना बता के इसको यहाँ एमओ बॉक्स लगा के शुरू किया था। तो मतलब मैं इसमें जैसे तैसे करके 65 लेवल के बॉस को हरा के यहाँ से निकल लिया था। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग फिफ्थ टेक्निक की तरफ, अब ये और हाई जाएगा डेथ हाई मतलब फ्लोर। तो अब चलते हैं, इसमें टेक्निक नहीं है, इसमें अपना ताकत है पहली बात। 75 फ्लोर, तो इसमें स्पाइडर ये रहता है, क्या नाम है इसका, स्पाइडर किंग। ये मेरे को आयरन मैन स्पाइडर दिखता है, आयरन स्पाइडर जैसे, तो भी मैं इसको आयरन स्पाइडर मैन बोलता हूँ, सब बात है इंसान तो है। मैं इसमें बैरिकेड टेक्निक यूज़ करने का कोशिश किया था, पर ये बैरिकेड टेक्निक इस पे काम नहीं करता, ना ही ब्राइड पे काम करता, दोनों पे काम नहीं करता ये, ठीक है। तो इस पे बैरिकेड यूज़ करना मतलब फालतू है पहली बात। इसमें अपना पावर इसको थोड़े देर के लिए तो अटका सकते हैं, पर उसके बाद ये अपने एक ब्लास्ट करता है, देखते रहो, वो मेरे को दिक्कत दिया था बहुत। अच्छा अभी देखना है ब्लास्ट करेगा वो, ये ब्लास्ट किया ख़त्म, बैरिकेड टूट गया। अब इसका टुच्चू मुच्चू से आएंगे तो उस टाइम फ्लेम थ्रोअर नहीं निकला था तो थोड़ा दिक्कत होता था, और उसमें होलीजर से मैं मार रहा था इसमें, पर फ्लेम थ्रोअर इस बार आया है तो आसानी होगा। उस टाइम ये लेवल 14 का प्लेयर था, इसलिए मैं उस वीडियो में बोला था कि लेवल 16 टू लेवल 14 प्लेयर तक जा सकते हैं, क्योंकि फ्लेम थ्रोअर शॉट गन जो अभी नया निकला है, शॉट गन वाला जो कोई भी लेवल के चला सकता है, उसका कलेक्टर तो आराम से मार देगा मैं बोलता हूँ। और उस टाइम शायद तक वेपन्स पे स्टार था, 5 स्टार वाला मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम। तो ये सीज़न 4 का वीडियो है, तो इस पे मैं क्या किया था, इसको मतलब इसके स्पाइडर मारना दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इस पे बुक सेल्स वाला टेक्निक यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इस पे बुक सेल्फ वाला, वो भी काम नहीं करता। उसके बाद बुक सेल्फ के ऊपर चढ़ना, वो भी काम नहीं करता, तो इसके एक एक के मारने में दिक्कत हो जाता बहुत ज़्यादा।
काफ़ी दिक्कत होता है। मैं होलिजर निकालना भूल गया और मैं करने लगा गन से फायर, तो ये काम नहीं करने वाला है। पहली बात तो फ्लेम थ्रोअर सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए, तो फ्लेम थ्रोअर से मार के 75 फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं और इस पर बैरिकेड भी काम नहीं कर सकता। बस ये टेक्निक है कि फ्लेम थ्रोअर और कोई सा भी गन। ये देखिए फिर से स्पाइडर के बच्चे छोटे मोटे चुच्चू मुसू से आ गए और इन को मारो, उसके बाद बॉस को मारो। दिमाग ख़राब कर दिया था ये चीज़ मेरे का उस टाइम। तो याद है मेरे पास होलिजर है, तो मैं होलिजर से जब फायर किया तो मेरे साथ कुछ इस तरीके से हालत हुआ। ये सब के सब मेरे ऊपर टूट पड़े एकदम गंदा वाला। लिक्विड तो फायर करते ही डैमेज भी गजब गंदा करते हैं और होलिजर ज़मीन में फार मारते हैं तो अपने को खुद पड़ता है, इसलिए उस टाइम सबसे घटिया चीज़ था। मैं बोलता हूँ सबसे घटिया चीज़ होलिजर यूज़ करना मेरे सबसे बड़ी गलती था। सिल्ड आधे से ज़्यादा मैं खो दिया था अपना। उसके बाद मैं इसको मारने के चक्कर में तो उसका मारा, जब वो फिर से स्पाइडर थोड़ा डैमेज हो फिर से अपना स्पाइडर, मतलब बहुत दिक्कत हुआ। पर इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इसलिए मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, ना ही इस पर कोई टेक्निक है। इस पर आपने पावर और अपना फ्लेम थोड़ा यूज़ करके इसको मैं जैसे तैसे करके मार तो दिया, पर बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो पर मैं बोलूँगा कि फ्लेम थ्रोअर ओपी चीज़ है इसके लिए, इस स्पाइडर के लिए बहुत दिक्कत देता है स्पाइडर ये वाला, इसके लिए बहुत ओपी चीज़ है वो फ्लेम थ्रोअर, मतलब उससे मारना सबसे अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ 75 फ्लोर कंप्लीट करेंगे, मतलब समझ लीजिए आप सिल्वर पहुँच गए, 70 फ्लोर सिल्वर का है वैसे भी, ठीक है। और मैं बोला हूँ मैं डायमंड तक बताऊँगा आपको कैसे करना है, तो आप इसमें बोल सकता हूँ कि आप इसमें ताकत की ज़रूरत है। उस टाइम फ्लेम थ्रोअर नहीं था और बीच में निकला है फ्लेम थ्रोअर, सीज़न 4 में नहीं आया था। तो पर इसमें भी कैसे करके मैं निकल गया था। तो अब चलते हैं सीधा फिफ्थ टेक्निक के तरफ चलते हैं आगे, सिक्स टेक्निक। आप जानते हैं रेडियो बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसमें। तो रेडियो बचाने के लिए क्या है, ऊपर बैरिकेड तो रहता ही है पर उसको वापस बनाते हैं, वापस तोड़ देते हैं। तो क्या करना है, इस पर लाइन भर बैरिकेड्स लगा देना है और इस पर यह सबसे बड़ा मुश्किल होता है, जॉम्बी को एलिमिनेट करो। ये है 89 फ्लोर जो 90 फ्लोर के पास में है। 90 फ्लोर मतलब आप डेथ हाई के गोल्ड में डायमंड तक पहुँच गए। आपको इसको कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। और याद रखिए ये वाला टेक्निक, ये जो तीन लगाया हूँ मैं, यहाँ तीन लगाना है कैसे भी करके, और इनों को मार के वो वाला बैरिकेड को भी एक्टिव करना है। वैसे बैरिकेड वहाँ खड़ा ही है पर आप मतलब घूम के आ जाते हैं इनको थोड़ा अंदर से, पर मारना बहुत दिक्कत था। तो भी इसको मैं कैसे भी करके मतलब कंप्लीट किया। उसके बाद अब चलते हैं आखिरी और लास्ट फाइट के तरफ जो है 90 फ्लोर मतलब डायमंड। तो ये है लास्ट सेवेंथ टेक्निक लेवल 90 फ्लोर डायमंड पहुंच गए हैं लोग। तो पर ये बोल दूँ डायमंड का फ्लोर बढ़ते जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों, पर इसको बनाया गया ही वैसा ही है। और मैं एक चीज़ है, जेट बैग वाले लोग इसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि जो वो लूप है, जो बास्केटबॉल लूप है, उसके ऊपर खड़ा होकर अगर मारेंगे तो ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। पर अगर नहीं कर सकते तो ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपको ऐसे धर लेगा, ये बस इतना ही कर सकता है। और एक तो जंप वाला दो ही चीज़ कर सकता है। तो आप बस और उस टाइम मेरा इतना पावर नहीं था कि इसको मार सकूं, पर अब तो आराम से पटक पटक के मार सकता है इसको। तो ये वापस चला गया था, उसके बाद पता नहीं सिस्टम कैसे बनाए। मैं नीचे जाएंगे तो आफत है और ऐसे फाइट करेंगे तो थोड़ा सा आफत है पर मार सकते हैं। तो यही है सेवेंथ और आखिरी टेक्निक, और आप ये टेक्निक अपनाइए और कोई भी टेक्निक, या फ्रंट टू फ्रंट फाइट ले सकते हैं, पर इस टेक्निक में बस वो पकड़ेगा अपने को, पकड़ के फेंक देता है वो, बस यही जानता ही और कुछ नहीं कर पाता। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करके इसको मार सकते हैं जैसे कि मैं मार रहा हूँ। पर वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैं बताता हूँ बस कि यही टेक्निक है, आप यूज़ करके 90 फ्लोर को कंप्लीट कीजिए और आप डायमंड रैंक में आ गए। तो डायमंड तक 90 फ्लोर पर उन लोग बढ़ जाते हैं रैंक। तो अगर
आपको कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय बाय। खेल चाहेंगे आग या पानी, खेल चाहेंगे स्ट्रगल, देख सब हो गए ढेर में चीड़ा फाड़ा जैसे बब्बर शेर। देर सवेर कभी ना कभी, आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी, हो शोर कभी उन लोगों का जो करते तुम्हें सपोर्ट, कर साथ रहा फिर उन सब का तो ओके होगी सारी रिपोर्ट। है होश वही मत होश नहीं, हेटर्स मेरे सारे बेहोश कहीं, उनमें है जलन आक्रोश वही, कुछ काम करने का जोश नहीं। जिस वक्त वो घर पे सो रहे थे, हम जिम्मेदारियों को ढो रहे थे, जब हमको सक्सेस की ट्रॉफी वो फोन पकड़ के रो रहे थे, जानबूझकर अनजाने में अपना आपा खो रहे थे।